दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करने वाली हूँ। तो देखिए डेली एक न एक प्रश्न आपका इस पर जरूर रहता है, चाहे आप टेलीग्राम पर मैसेज करते हों, चाहे आप चैनल पर मैसेज करते हों, तो एक प्रश्न ज़रूर रहता है कि इसकी परीक्षा कब तक होगी। तो विद्यार्थियों के बीच जो है ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। तो सभी एक ही चीज़ की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो है परीक्षा कब तक होगी, सभी इस चीज़ के लिए काफ़ी परेशान हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आपकी परीक्षा जो है कब तक हो सकती है, और अगर लेट हो रहा है तो किस कारण से लेट हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें कि इसके लिए कितने अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके लिए कम से कम जो पदों की संख्या जो 981 पदों पर भर्ती होनी है विज्ञापन संख्या 51 में, और इसके लिए जो अप्लाई किया है वो है 114,000 अभ्यर्थियों ने जो है अप्लाई किया हुआ है। तो इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के द्वारा ये परीक्षा जो है अप्लाई की गई है। तो ऐसे में जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी परीक्षा जो है वो प्रयागराज में की जाती है, तो ऐसे में परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर चर्चा हो रही होगी कि क्या कहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कहाँ पर परीक्षा जो है आयोजित किया जाए। तो इतने बड़ी संख्या को एक साथ कैलकुलेट करने में जो एक समय है उसके लिए आयोग को भी समय लग रहा है। दूसरी बात अगर करें तो देखिए विज्ञापन संख्या 50 में आप सभी जानते हैं काफ़ी सारे विवादित ये परीक्षा रही है, चाहे उत्तर कुंजी को लेके हो, चाहे अभी रिज़ल्ट को लेके हो, तो परीक्षार्थियों द्वारा जो है इसमें आंदोलन भी किए जा रहे हैं। तो उसके समर्थन में भी कहीं ना कहीं ये बात आगे कोर्ट तक जो है पहुँच गई है, तो उसके लिए भी कुछ निर्णय लेना जाना ज़रूरी है। तो कुछ विषयों के जो है निर्णय इस संबंध में लिए जाएंगे, और आंदोलनकारियों ने जो भी आंदोलन किया इस भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके समक्ष आयोग जो है अपना क्या निर्णय लेता है। जब ये चीज़ हाई कोर्ट में पहुंच गई है अब, तो कोर्ट में पहुंचने के बाद इसका क्या फैसला आता है, और फैसला आने के बाद आयोग इस विषय में क्या निर्णय लेता है। तो एक ये भी पक्ष है अभी देखने वाला, इसके रिज़ल्ट जो विज्ञापन संख्या 51 है उस पर कोई बात नहीं चल रही है। दूसरी चीज़ ये है कि विज्ञापन संख्या 50 में दो तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके कोर्ट में केस चल रहे हैं, तो ऐसे में आयोग जो है उनका भी इंतज़ार कर रही है कि उनका फैसला आते ही विज्ञापन संख्या 51 पर जो है चर्चा कर ली जाए, इसकी तैयारियों में जुट जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन चीज़ों को इसमें जोड़ना या इसमें एक व्यस्तता हम कह सकते हैं। तो जब तक पहला शेड्यूल पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता आयोग का आगे का जो प्रोसेस है उसमें अभी समय लगेगा। तो यानी कि और इनकी जो डेट्स की बात करूं तो इनकी डेट्स जो है आपकी अक्टूबर महीने में, तो जो भी कोर्ट के में केसेस चल रहे हैं उनके केसेस जो है वो अक्टूबर की डेट दी गई है। तो अक्टूबर में आपका, और अक्टूबर हमारा चल भी रहा है, तो अक्टूबर में आपका कोई भी परीक्षा की तिथि आने की संभावना नहीं है। और ये अक्टूबर और नवंबर का मंथ ऐसा है जिसमें आपके सारे त्यौहार भी आते हैं, तो ऐसे में इस महीने में जो है आयोग के द्वारा एग्ज़ाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आप ये खुद देखिए कि इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों की परीक्षाएं जो है लेनी है, तो इस परीक्षा के महीनों में आपकी परीक्षा नहीं ली जाएगी इन त्यौहारों के महीने में। तो अक्टूबर हमारा इसमें गया, नवंबर में भी आप ये मान के चले कि 15 नवंबर तक आपका इसी में जाएगा, त्यौहार और इन सब चीज़ों में जाएगा, तो 15 नवंबर तक जो है आपकी कोई परीक्षा निश्चित नहीं है। 15 नवंबर के तक आयोग भी इन सारे जो केसेस चल रहे हैं उनका भी निपटारा शायद हो जाए, तो ये सब चीज़ें भी ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद जो मिड नवंबर है उसके बाद आपकी परीक्षा तिथि निर्धारित की जा सकती है। और उसमें भी क्या है कि परीक्षा तिथि निर्धारित होने के ये तो नहीं है कि आज परीक्षा तिथि निर्धारित की है और कल आपकी परीक्षा हो जाए, तो ऐसा भी संभव नहीं है। तो परीक्षा जो है आपका नवंबर में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बात आप पूरी तरीके से जान लें कि नवंबर में आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी।
और उसके बाद जो है दिसंबर में के अंत तक, क्योंकि नवंबर में अगर आयोग द्वारा ये निर्धारित की जाती है कि परीक्षा आपकी कब होगी, तो कम से कम इस प्रक्रिया को पूरा करने में 1 माह का समय जो है लगेगा। यानी कि आपकी परीक्षा जो है दिसंबर में हो सकती है और दिसंबर से लेके जनवरी के बीच जो है जा सकती है। तो दिसंबर का अंत ही हम रखेंगे, दिसंबर एंड में आपकी परीक्षा हो सकती है, शुरुआत में नहीं होगी, और जनवरी से फरवरी भी जा सकती है, इससे लेट नहीं, क्योंकि अभी बाकी जो है कोई भी चुनाव या कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी है। तो दिसंबर जो 15 दिसंबर के बाद की तिथि हम कह सकते हैं कि उसके बाद परीक्षा की तिथि आ सकती है, और जनवरी में आपकी फुल एंड फाइनल परीक्षा जो है जनवरी में शुरू हो सकती है, जो आपका फरवरी तक जा सकती है अलग अलग सब्जेक्टों के अकॉर्डिंग। तो इस चीज़ को लेके पहली चीज़ मैं यही कहूँगी अब आपको कि काफ़ी सारे प्रश्न इस पे आते हैं कि परीक्षा तिथि आगे कब तक आएगी। तो इस चीज़ को लेके अपना डाउट क्लियर कर लें कि आपकी परीक्षाएं जो हैं वो दिसंबर से जनवरी के बीच में ही होगी, उससे पहले नहीं होगी। और इसको लेके अब आप जो है अपने मन में कोई संशय ना पालें, बेहतर यही है कि आप अपनी तैयारी करें, जितनी तैयारी है उसी को जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, या कोई चीज़ छूट गई है तो ज़रूर करिए, क्योंकि आपके पास ये बेहतर समय है उन चीज़ों को पूरा करने का जो आप अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, या पिछली वर्ष की जो विज्ञापन संख्या 50 में जो कमी हो गई थी उससे बाहर निकलने की, तो आप इसकी तैयारी में बेहतरी से जुट जाएं। और यही सोचिए कि अगर अभी परीक्षा नहीं आई है तो आपके पास एक बेहतर मौका है इसको और अच्छे से तैयारी करने का। तो इस चीज़ को लेके बार बार स्वयं को परेशान ना करें, परीक्षा जब होनी है हो जाएगी, होनी तो है ही, ऐसा तो नहीं है कि परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा होनी है, बस आप अपनी तैयारियों में जुटे रहें, परीक्षा की तैयारी जो है करते रहें। परीक्षा होनी है, ज़रूर होगी, अगर आपको अभी समय मिल रहा है तो यही सोचिए कि आपको अभी और समय मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो यही थी जानकारी देनी जो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहते हैं कि परीक्षा कब होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को बता दिया है, अब आप सभी जो है इस चीज़ को लेकर जो है परेशान नहीं होंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो और भी कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि आपकी समस्याओं का सॉल्व मैं कर सकूँ। धन्यवाद।